मसान से लेकर डंकी तक विकी कौशल ने हर बार ये प्रूव किया है कि वो अपनी जनरेशन के बाकी एक्टर से क्यों अलग है, क्यों वो सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है और क्यों वो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विकी कौशल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे। पहला है, विकी कौशल शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और उनका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इंजीनियरिंग में और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग की। सेकेंड इज, इंजीनियरिंग के टाइम पर ही उनको रियलाइज हुआ कि वो 9 to 5 जॉब्स के लिए नहीं बने हैं, और क्योंकि उनके फादर श्याम कौशल जी एक रिनोन्ड बॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर हैं, तो फिल्मों से उनका जुड़ाव नेचुरल था और वहीं से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ एक्टिंग में, जिसकी वजह से उन्होंने किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। ऑल्सो वेरी फ्यू पीपल नो दैट ही इज अ ट्रेन डांसर। थर्ड, विकी कौशल ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत एज एन एक्टर नहीं बल्कि एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। उन्होंने अनुराग कश्यप को गैंग्स ऑफ वसेपुर में असिस्ट किया था। फोर्थ, सबको लगता है कि मसान उनकी डेब्यू फिल्म है, लेकिन असल में उन्होंने अपना स्क्रीन डेब्यू समीर शर्मा की मूवी लव शॉप ते चिकन खुराना के साथ किया था। फिफ्थ, विकी कौशल का म्यूजिक में इंटरेस्ट तो आपको उनके सोशल मीडिया के थ्रू पता ही चल जाता होगा, लेकिन उसके अलावा विकी एक ट्रेंड वीणा प्लेयर भी है। सिक्स्थ, विकी कौशल की एज अ लीड एक्टर डेब्यू फिल्म थी मसान, जिसे बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी में से एक माना जाता है, लेकिन इट्स शॉकिंग कि विकी वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर द फिल्म। एक्चुअली राजकुमार राव वाज द फर्स्ट चॉइस, लेकिन राज के थोड़े डेट इश्यूज की वजह से ये मूवी मिल गई विकी को एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। सेवेंथ, अनुराग कश्यप की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म रमन राघव में विकी ने एक ऐसे कॉप का रोल प्ले किया था जो कि एक ड्रग एडिक्ट होता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके लिए अनुराग कश्यप को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि विकी ऐसा रोल पुल ऑफ कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अनुराग को किसी तरह कन्विंस किया और खुद को आइसोलेट कर लिया टू अडेप्ट द कैरेक्टर वेल। फिर जो हुआ वी सॉ दैट। नंबर 8, बहुत टाइम बाद विकी को रोल मिला धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म राजी के लिए, जिसमें उनके ऑपोजिट थी आलिया भट्ट। विकी को राजी की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और उनकी एक्टिंग इस मूवी में कितनी ऑन पॉइंट थी ये तो सबने देखा ही था। नंबर 9, आफ्टर राजी, संजू एंड मन मर्जिया, विकी कौशल को मूवी मिली उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि उनके करियर का ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुआ। उरी मूवी की वजह से ही विकी इंडियन हाउस होल्ड में पहले से ज्यादा पॉपुलर हुए और फिल्म का उनका डायलॉग हाउस द जोश एक एंथम बन गया। फिल्म ने सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस मूवी के लिए विकी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला, लेकिन वेरी फ्यू पीपल नो दैट विकी ने उरी मूवी को ऑलमोस्ट नो कह दिया था, क्योंकि वो उस टाइम राजी की शूटिंग में बहुत बिजी थे, लेकिन उनके फादर श्याम कौशल ने उन्हें कन्विंस किया कि उन्हें स्क्रिप्ट एक बार पढ़नी चाहिए एंड अगेन रेस्ट इज हिस्ट्री। 10th एंड द लास्ट वन इज, विकी की रीसेंट फिल्म सैम बहादुर भी एक बायोपिक है, जो कि उन्हें राजी के टाइम पर ही मेघना गुलजार ने ऑफर की थी। विकी इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे एंड उन्होंने इस फिल्म के लिए सैम मानिक शाह के किरदार को जिस तरह से पकड़ा था, कई सीन्स में तो यूं लगा कि सैम मानिक शाह इज प्लेइंग हिमसेल्फ इन द मूवी। इसके अलावा इज देयर एनी अननोन फैक्ट अबाउट विकी कौशल जो हमसे रह गया हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।